नमस्कार, एचसीए न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बुधवार को फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि भाईचारे और सद्भाव का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारूकी और उनके चार साथियों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फारूकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। वहीं इंदौर टीआई कमलेश शर्मा ने कथित रूप से कहा है कि उनके खिलाफ हिंदू देवी देवताओं या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जमानत याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा है कि शिकायतकर्ता के वकील के चुनिंदा अभिकथन से साफ है कि याचिकाकर्ता और के मामले में शाह आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पिछले 18 महीने में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान, भगवान श्री राम और देवी माँ सीता पर भद्दे जोक्स बनाए हैं, जबकि इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध भी दर्ज कराए गए हैं, जबकि इसके उलट कुछ भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले जिला अदालत ने एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद एक सत्र न्यायाधीश फारूकी की जमानत याचिका दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खारिज कर दी थी। इसके बाद हास्य कलाकार ने जमानत पर रिहाई के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने फारूकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजक से जुड़े उन सभी चार लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में 1 जनवरी की रात मामला दर्ज कराया था। विधायक के बेटे का आरोप है कि शहर के एक कैफे में 1 जनवरी की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक एकलव्य अपने साथियों के साथ बतौर दर्शक इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम रुकवाने के बाद फारूकी समेत 5 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि विवादपस कार्यक्रम को लेकर 5 लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 295A और अन्य संबंध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे एचसीए न्यूज। शुक्रिया।